दिल्ली में जल संकट के बीच जारी है सियासत। मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साजिश रचने का लगाया आरोप, तो कांग्रेस ने कहा कि बहानेबाजी कर रही है दिल्ली सरकार। आज फिर बीजेपी करेगी पानी के संकट पर प्रदर्शन। पीएम मोदी और पोप की मुलाकात पर तंज करने के बाद केरल कांग्रेस ने मांगी माफी। बीजेपी ने कांग्रेस पर ईसाइयों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया, सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। आज जम्मू में सीडीएस करेंगे हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। कल सुरक्षा पर हुई बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को आतंकवाद को कुचलने और अमरनाथ सुरक्षा को कड़ी करने का दिया निर्देश। ईवीएम पर छिड़ा संग्राम, राहुल गांधी के ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताए जाने के बाद एनडीए ने किया हमला। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर ईवीएम गलत है तो राहुल गांधी अपनी सांसदी छोड़े। विपक्ष ने की संसद सत्र में मुद्दा उठाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ हफ्तों में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। 60,244 सिपाहियों की होनी है भर्ती। परीक्षा से पहले जिले के कप्तानों से मांगी गई प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट। फरवरी में पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई थी परीक्षा। आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा। बकरीद के त्यौहार पर हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी लोगों को त्यौहार की बधाई। एनसीईआरटी की नई बुक में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं, इसे तीन गुंबद वाला ढांचा लिखा। एनसीईआरटी के डायरेक्टर का बयान, पाठ्यक्रम के भगवाकरण की नहीं है कोशिश, साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर किए गए बदलाव। दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टर्स। टंकी मतलब वेक्टर्स।